नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता वापसी के बाद जितनी जद्दोजहद सीएम के ऐलान के समय हुई, अब उतनी ही देरी मंत्रिमंडल के चयन में भी हो रही है। तीन दिन से दिल्ली में डेरा जमाए सीएम कमलनाथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मंत्रिमंडल पर चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। उनके लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा सुरेश पचौरी और सिंधिया समर्थक रामनिवास रावत के नाम को लेकर भी अटकलें हैं। प्रदेश में एक हफ्ते से जारी यूरिया संकट फिलहाल खत्म होने जा रहा है। सरकार ने रविवार को दावा किया कि सोमवार से यूरिया के रेलवे रैक आना शुरू हो जाएंगे। तीन दिन में करीब 45,000 टन यूरिया पहुंच जाएगा। हालांकि बंटने में तीन दिन अभी भी लग जाएंगे, क्योंकि रैक से यूरिया अनलोड होने और ट्रकों के जरिए सोसाइटी तक पहुंचाने में वक्त लगता है। कृषि उत्पादन आयुक्त पीसी मीणा के मुताबिक 6 कंपनियों आरसीएफ, इफको, एनएफएल, सीएफसीएल, आईपीएल और कोरोमंडल से इसकी सप्लाई होगी। दो दिनी दौरे पर इंदौर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने रविवार सुबह रेसिडेंसी कोठी में लगभग 25 नेताओं कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि भाजपा के 15 साल के शासन में ढर्रा इतना बिगड़ चुका था कि कलेक्टर कमिश्नर जैसे प्रशासनिक अफसरों के तबादलों में भी दलालों की भूमिका हो गई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अफसरों का उपयोग भाजपा सरकार ने नेताओं की सभा में भीड़ जुटाने तक के लिए किया, यह चौंकाने वाली बात है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में खाली पड़े प्रोफेसर्स के खाली पद मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भरे जाने के आसार हैं। पीएससी के माध्यम से चयनित हुए असिस्टेंट प्रोफेसर्स को मार्च तक कॉलेज आवंटन किए जा सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग को प्रदेश भर के कॉलेजों में करीब 3,500 प्रोफेसर्स की नियुक्ति करना है। अधिकारियों का कहना है कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद आगे की प्रक्रिया में तेजी आएगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सीहोर जिले के सुरई गांव पहुंचे तो नजारा देखने लाया था। शिवराज सिंह चौहान यहां एक ग्रामीण की बाइक पर सवार हुए और क्षेत्र का दौरा किया। यहां ग्रामीणों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चिंता मत करना, टाइगर अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि घबराना मत, मैं कमजोर थोड़ी हूं। पहले कलम की ताकत से काम करता था, अब लड़ लड़ के काम करूंगा। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई इन्वेस्टर्स समिट पर असमंजस की धुन बरकरार है। सरकार ने निवेशकों के रजिस्ट्रेशन और प्रदर्शनी की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीतमपुर औद्योगिक संगठन ने सरकार को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समिट आयोजन को नकार चुके हैं, लेकिन समिट होगी या नहीं इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। सीएम कमलनाथ के निर्देशों के बाद जुआ सट्टा और नशे के कारोबारियों की धरपकड़ में रविवार को पुलिस बैकफुट पर आ गई। देशी शराब के तस्करों को पकड़ने गई रातीबड़ पुलिस पर मोहल्ले के सैकड़ों लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें दो पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। वहीं अशोका गार्डन पुलिस के सामने शहर की कुख्यात सटोरियों ने खुद को ब्लेड मारकर घायल कर लिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत और प्रताप प्रखंड बजरंग दल द्वारा रविवार को धर्मसभा और अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किए गए। बरसिया रोड डीआईजी बंगला के पास संत कवरराम नगर में आयोजित सभा में विहिप मध्य भारत प्रांताध्यक्ष पीताम्बर लाल राजदेव और कार्य अध्यक्ष विशाल दरियानी ने संबोधित किया। मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ की रविवार को प्रांतीय बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि 28 जनवरी को रैली निकालकर मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्वागत करेंगे। इस दौरान सीएम को स्मरण पत्र सौंपकर वचन की याद दिलाएंगे। कांग्रेस ने वचन पत्र में रेगुलर करने का वादा किया है। चुनाव पार्क में बैठक के बाद सभा हुई। रन भोपाल रन संस्था 25 और 26 दिसंबर को प्लॉग रन आयोजित कर रही है। इसमें लोगों को जॉगिंग करते वक्त रास्ते में नजर आने वाला सॉलिड वेस्ट जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलिथीन या ग्लास जैसी चीजें उठाते हुए चलना होगा। इस कार्यक्रम के तहत 25 दिसंबर को कलियासोत डैम से सुबह 7 बजे फ्लैग ऑफ किया जाएगा। वहीं 26 दिसंबर को होटल लेकव्यू रंजीत से यह रन शुरू होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसवी के साथ। नमस्कार। Genavan Sales, Crompton Greaves ke geezer, pankhe and lighting luminaries, heavy duty exhaust fans and cooler fans ki sampoorn range, El Monarch ke fans, pedestal fans, exhaust fans and air curtain ki vistrit range. Genavan Sales, near Bharat Talkies, first floor Hamidia Road, Bhopal.